नमस्कार दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टिप के साथ। तो दोस्तों, आज की टिप है कि हम कोरल ड्रॉ में किसी भी डिज़ाइन को या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसको जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए यदि आप मेरे चैनल को लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसे यहाँ बटन साइड में एक कॉर्नर में एक रेड बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पर माउस को ऐसे ही ले जाएंगे, आपके समक्ष एक ये विंडो खुल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करनी तो आप यहाँ से भी आप जो थोड़े से नीचे आकर के भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब का ये बटन देख सकते हैं, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि जो भी मैं नई टिप्स दे रहा हूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएँ। दोस्तों, तो फिर हम बात करते हैं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कोरल ड्रॉ से जेपीजी में उसको एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसे पिछले डॉक्टर ने मैंने आपको बताया था कि हम कलर ड्रॉ में सिंपल सा एक ग्रीटिंग कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। अब इसके बाद मैं बता जा रहा हूँ कि इसको हम जेपीजी फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ताकि हम क्लाइंट को भेजना दिखाना हो तो हम इसको, या फिर हमें रखना प्रिंट निकालना हो, कुछ भी करना हो, या इसके आर्काइव रखना हो जस्ट मेल करने के लिए, तो हम क्योंकि मेल करने से आप सीरियल फाइल तो आप क्लाइंट को मेल नहीं कर सकते, तो उसे दिखाने के लिए आप उसे जेपीजी भेजेंगे या पीडीएफ भेजेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको जेपीजी फाइल कैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो इसमें ऑप्शन होता है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, यहाँ से एक्सपोर्ट बटन दिया होता है, एक यहाँ दिया होता है एक्सपोर्ट, या फिर शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+E। ठीक है दोस्तों, Ctrl+E आप यूज करेंगे तो आप इसको, जैसे ही मैं यहाँ पर Ctrl+E दबाता हूँ, आप देखिए Ctrl+E मैंने कोई बटन दबाया, और इसके बाद तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे Ctrl+E दबा रहा हूँ, तो Ctrl+E दबाने के साथ ही Ctrl+E दबाया तो ये विंडो खुलती है एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे तो आप फाइल नेम सेव करते हैं, और यहाँ पे आप जबकि लोकेशन आप उसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, मेरा डेस्कटॉप खुला हुआ है। लेकिन जैसे मैं बताया कि आप काम कर रहे हैं तो अपने सिस्टम को अभी भी सी फाइल में या डेस्कटॉप पर सेव ना करें, कि जैसे विंडोज़ करप्ट होती है कई बार तो हम यहाँ से फाइलें एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जब दोबारा विंडोज डालते हैं तो उसके लिए ड्राइव सी फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि आप इसको डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या वाट एवर ड्राइव यू वांट, आप उसे वहाँ सेव करें अपना एक नया फोल्डर बना करके। तो यहाँ तो होता है कि फोल्डर लोकेशन क्या है आपकी इस एरिया में, इसके बाद आप ये फोल्डर लोकेशन है और ये आपका फाइल नेम, आपकी उसको फाइल नेम क्या देना चाहते हैं इस एरिया में, आप यहाँ पे फाइल नेम दीजिए। और इसके बाद यहाँ जो मेन ऑप्शन है, यहाँ पे आपका आता है कि आप उसे किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल नेम दिया, जो भी मेरा कह मान लीजिए विजिटिंग कार्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे, विजिटिंग कार्ड। इसके बाद अब यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा जेपीजी डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि लास्ट में जेपीजी फाइल एक्सपोर्ट कर दिया है मैंने। अगर आपको यहाँ पे जेपीजी नहीं आ रहा है, आपके यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्मेट है, बीएमपी फॉर्मेट है, इसमें आप ऊपर तो शो कर रहा है लेकिन वो होता है कि हमारे मोस्ट रिसेंटली यूज, कि हमने लास्ट में जो बेसिक जो सबसे लास्ट में यूज किए होते हैं आइकन, जो भी फॉर्मेट हमने यूज़ किए होते हैं एक्सपोर्ट करने में, ये उन्हें वहाँ पे पहले शॉर्टिंग कर देता है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इसमें नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर JPG2, उसके बाद JPEG फॉर्मेट यहाँ है, आप इसको यहाँ से JPG फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लिक करिए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद JPG आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें दो ऑप्शन, एक ऑप्शन भी जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे कुछ भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, मैंने अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट। इसके बाद एक विंडो और आएगी यार दोस्तों, मेन विंडो हमारी यहाँ यहाँ पे देखिए कि मेरा पूरा का पूरा पेज आ रहा है। अब मैं ऐसी फाइल तो जेपीजी सेव करके क्लाइंट को नहीं भेज सकता, या इसको सेव करके आप किसी को मेल करना हो, किसी को दिखाना हो, तो आप ऐसी फाइल नहीं दिखा सकते हैं। तो अभी आप अगर पूरे पेज पर डिजाइन आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे। अभी मैं इसको देखिए, मुझे सिर्फ एक जो मिनी वाला कार्ड है मुझे ये चाहिए भेजने के लिए, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए कैंसिल करने के बाद फिर मैं सिर्फ इसको जितना हिस्सा मेरा मुझे चाहिए मैं उतना सेलेक्ट करूँगा। अभी सिलेक्टेड है, इसके बाद मैं दोबारा वही Ctrl+E एक्सपोर्ट यहाँ से या कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप एक Ctrl+E दबाएं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ बढ़ गया, सेलेक्टेड ओनली, अपना डेस्कटॉप सब कुछ सेम है, फाइल फोकल फोल्डर लोकेशन सब कुछ सेम है, नाम यहाँ पे जो आप देना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड JPG नहीं देंगे, विजिटिंग कार्ड देंगे,
यहाँ पे विजिटिंग कार्ड देंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं। यहाँ पहले PNG था, PNG नहीं देंगे आप लोग, उस नाम छुटा देंगे, नहीं तो विजिटिंग कार्ड डॉट PNG डॉट JPG बनेगी, ये बहुत प्रॉब्लम करती है। इसके बाद आप JPG ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्टेड ओनली। अब यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने बाद देखिए सिर्फ वही हिस्सा जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर उतना हिस्सा एक्सपोर्ट होगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे तीन सेटिंग जो है हमें बेसिकली हमें छेड़नी होती है। सबसे पहली चीज़ तो कि हम इसको भेजना किस फॉर्म में चाहते हैं, CMYK कलर में देना चाहते हैं या ऑनलाइन भेजना चाहते हैं या कैसे भेजना चाहते हैं। तो CMYK कलर जो होता है वो प्रिंटिंग के पर्पज़ से जो कलर हम डाल रहे हैं वही कलर CMYK शो करेगा। तो यहाँ पर मोड होते हैं ग्रे स्केल, RGB और CMYK, आप किस फॉर्मेट में उसे देना चाहते हैं क्लाइंट को। तो अगर वेब पर कभी चीज़ जाती है, ऑनलाइन जाती है तो RGB हो जाती है, और अगर प्रिंटिंग के लिए जाती है तो CMYK होती है। तो डिपेंड करता है कि आपने किसको फॉर्मेट किस फॉर्मेट यूज़ करना है। तो अगर आपने इसको फाइनली प्रिंट के लिए जाना है फाइनली, तो आप उसको CMYK रहने दीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन जाना होता है तो उसको RGB कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप आ गए CMYK कलर में। ओवर प्रिंट ब्लैक शायद ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है, अभी तक तो नहीं था, लेकिन JPG फॉर्मेट में ओवर प्रिंट ब्लैक होता है नहीं होता ये चेक करने वाली बात होगी, इसको चेक करते हैं दिखाएंगे इसको हम। तो ओवर प्रिंट ब्लैक अभी JPG फॉर्मेट में से ओवर प्रिंट ब्लैक का ऑप्शन यूज नहीं करते हैं। इसके बाद क्वालिटी है, क्वालिटी हम किस मोमेंट में देना चाहते हैं। अभी सिर्फ दिखाना है तो आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, सो दैट फाइल हल्की बने, लो बने, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए आप इसका JPG फाइल हम कभी कभी नहीं भेजते। प्रिंटिंग के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं PDF फॉर्मेट में, वो भी बताऊँगा आपको PDF फॉर्मेट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको वो भी आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन दिखाने के लिए भेजें तो आप इसको मीडियम कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, सो देखिए सिर्फ देखना है, प्रिंट नहीं करना किसी ने भी। इसके बाद आप यहाँ आते हैं हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन में, ये जो स्केलिंग है वो किस स्केलिंग में है, तो इसको आप इसके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा कार्ड MM में होता है, 55x88 mm में होता है। ये देखिए 55x88 mm का कार्ड हमारा होता है, जब छपता है फाइनली, जब कटिंग होकर के। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, ये होता है रेजोल्यूशन कि आपने इसको किस रेजोल्यूशन में फाइल को एक्सपोर्ट करना है। तो मिनिमम रेजोल्यूशन हम यूज़ करते हैं दिखाने के लिए भी, शो ऑफ करने के लिए, तो 300 होता है, 300 इज द बेस्ट रेजोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ऊपर कर देते हैं तो जो फाइल्स हैवी हो जाती हैं। तो ये तीन सेटिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले आप यूज़ करते हैं कि हमारा कलर मोड क्या है वो देना होता है। इसके बाद क्वालिटी हम कौन सी देना चाहते हैं, JPG एक्सपोर्ट करते समय मीडियम करेंगे तो 50% रिजोल्यूशन हो जाता है इसका। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन में कि हमारी साइज़ का जो रिजोल्यूशन यहाँ पर है वो क्या देना चाहते हैं। तो तीन सेटिंग अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं, अपने डिपेंड करता है कि अगर फाइल बहुत बड़ी फाइल है तो हम छोटी कर देते हैं, सो दैट कि 10-12 MB से 8 MB से ज़्यादा वो फाइल नहीं हो, क्योंकि कई बार मेल सिस्टम से ज़्यादा ऊपर की फाइल सपोर्ट नहीं करते हैं। गूगल हमारा तो जीमेल जो है वो 25 MB तक कर लेता है, लेकिन जो लोगों के पर्सनल मेल्स अकाउंट्स होते हैं वो आपके कई बार तो 2 MB 3 MB तक स्पेस ले पाते हैं। तो कोशिश करते हैं जितना हम यहाँ सेटिंग चेंज करते हैं अपने हिसाब से फाइल साइज उतना कम होता जाता है अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पे करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीधे से। अब इसके बाद यहाँ बटन आ गया, आप यहाँ ओके दबाइए। ओके दबाने के साथ ही यहाँ पे छोटा सा विंडो बन जाता है कि फाइल चूंकि बहुत छोटी है तो बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो गई है, बंदा उसकी JPEG बन गई है, नहीं तो यहाँ पर छोटा सा एक सेव आइकन दिखाता है कि आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों ये टिप हमारी, अब देखा मैं डेस्कटॉप पे मेरी फाइल सेव हुई है, मैं इसको डेस्कटॉप देखता हूँ। विंडोज़ T दबाकर आप डेस्कटॉप खोल सकते हैं, ये रहा विजिटिंग कार्ड, अब इसे खोलिए। ये फाइल आपकी यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो आपने अभी JPEG एक्सपोर्ट करी है विजिटिंग कार्ड डॉट JPG, ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। अब देखिए जूम करते समय हम JPEG फाइल इसी को प्रिंट नहीं करते, क्योंकि हम इसके जो पिक्सल्स जब जूम करते हैं तो फटते हैं, जैसे ये सिर्फ एक्चुअल पिक्सल जो होता है ये उसके लिए काम होती है, जैसे एक्चुअल पिक्सल हमने इतना दिया है, छपना ये कम से कम बहुत छपना और भी छोटा होता है, सिर्फ दिखने के लिए हमने इसको छोटी फाइल कर दिया। और बहुत उसकी साइज़ चेक करेंगे आप, साइज़ बहुत छोटी होगी ये वाली विजिटिंग कार्ड, प्रॉपर्टीज चेक करें यहाँ से, और साइज़ देखिए इसके सिर्फ 636 KB की है, तो बहुत छोटी साइज़ होती है। और ऐसे आप उसको बड़ा कर दीजिए, जैसे अब दोबारा मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैंने विजिटिंग कार्ड 2 नाम देता हूँ इसको, विजिटिंग कार्ड JPEG आ जाएगा अपने आप ही। इसे कर देते हैं हम नंबर 2, एक्सपोर्ट करते हैं, सिलेक्टेड ओनली लिया हुआ है, इससे CMYK है, कस्टम हटा देते हैं, करते हैं हाईएस्ट 300 DPI, ठीक है ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दो खोल में खोलते हैं, आप इसको जूम करिए, ये पहले वाले से काफ़ी बड़ी बनी है कि थोड़ी सी बेहतर बेहतर फाइल बनती है वाली, क्योंकि हमारा साइज़ बहुत छोटा है इसलिए इसको जूम करने पर नहीं था, लेकिन क्वालिटी पहले वाले से बेटर बनती है। अब ये देखिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे टिप आज की थी कि हम आप कोरल ड्रॉ के अंदर फाइल के JPG एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। आप इसमें अगर कोई सी भी डिज़ाइन आपको हो, आप किसी को कैसे डिज़ाइन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, तीनों कर रहा हूँ, तो अभी तो मैंने आपको एक्सपोर्ट किया था, मैंने कोई सेट नहीं किया था, मेरा पूरा पूरा पेज ले रहा था, लेकिन अब करूँगा एक्सपोर्ट करूँगा तो सिर्फ ये नाम नहीं बदल रहा, मैं जैसे चेक एक्सेप्टेड ओनली दिया हुआ है,
जितना सेलेक्ट कर रखा है मैंने वो पूरा का पूरा उतना हिस्सा लेगा, पूरा का पूरा पेज नहीं लेगा। तो बेसिक चीज़ हमारे यहाँ याद रखने वाले कि हम जितना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतना हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये टिप आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएँ और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।